बीजेपी या आरएसएस, बीजेपी का जो गाइड है, मेंटर है, वो तो आज़ादी का लड़ाई में उनका कोई भी रोल नहीं था। हाँ, वो कुछ लड़ाई वो ब्रिटिश के साथ मदद भी कर रहे थे, तो उनका कुछ ये नहीं था। खास करके जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं बीएसएनएल में, उनको 8 महीने से 10 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे, उसको बंद करने का बात चल रहा है, और या उसको वीआरएस देके सरकार उनको एम्प्लॉयज़ को पूरा घर भेजने का बात चल रहा है, बोल रहे सरकार रिवाइवल के नाम पे, और रिटायरमेंट एज कम करने का। मतलब हमारा देश का रक्षा अभी विदेशी स्वदेशी पूंजीपतियों का हाथ में दिया जाएगा, हमारा मजदूर का काम चला जाएगा, उनका छटनी हो जाएगा, देश का संपत्ति को बेच रहे हैं, हमारा मजदूर का जो ये अधिकार है उनको छीन रहे हैं, हमारा किसान से जमीन लेकर वो विदेशी पूंजीपतियों को दे रहे हैं। ये देश सबका साथ भी नहीं, विनाश तो है ही, देश का विनाश कर रहे हैं और सबका साथ कहाँ दे रहे हैं। अभी जो है आप देखो देश में, खास करके इस दोबारा आने के बाद कितना दलितों का ऊपर हमला हो रहा है, लिंचिंग हो रहा है, उनका ऊपर मार के उनको मार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भाजपा के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं दूसरे चरण के। इस बीच में हमने कई ऐसी समस्याएं देखी जो एक के बाद एक उभर कर आई है। इसमें मुख्य तौर पे श्रमिक वर्ग खासा परेशान है, क्योंकि एक के बाद एक गवर्नमेंट कंपनियां निजीकरण की ओर चलती जा रही है। इसमें बीएसएनएल, एमटीएनएल और कई भी ऐसी बड़ी बड़े सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो लगातार ही घाटे की ओर जा रहा है, श्रमिक वर्ग का लगातार शोषण हो रहा है। तो इस बीच में कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं, देश में असंतोष है, देश में आक्रोश है, जनता के बीच में आक्रोश है, खास तौर पे मजदूरों के बीच में आक्रोश है। इन सभी तमाम मुद्दों के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CITU की अध्यक्ष हेमलता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत के दौरान। जैसे कि देश में लगातार एक के बाद एक निजीकरण हो रहा है कंपनियों का, सरकारी कंपनियों का, जिसकी वजह से मजदूर काफ़ी परेशान है, मजदूर वर्ग को पता ही नहीं है कि उसका शोषण हो रहा है। इस सब मुद्दे है, सरकार सुनना नहीं चाहती, क्या कहना चाहेंगे मजदूरों की समस्या को लेकर? एक तो इस सरकार आने के बाद ही तुरंत अनाउंस किया है, घोषणा किया है कि हम सरकार का जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उस सारा निजीकरण करेंगे, उसको बेच देंगे, और दूसरा ये किया है कि हम श्रम कानून को बदल देंगे, और तीसरा कि हम जमीन को पूल करेंगे और वो विदेशी कंपनी को भी हम देंगे उनका यूज़ के लिए। तो ये तीनों के वजह से विदेशी पूंजीपति वो बहुत खुश होंगे। तो मतलब सत्ता में आया है हमारा देश का जनता का वोट लेकर, लेकिन बात कर रहे हैं कि कौन खुशी होगा, विदेशी निवेश जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है वो खुशी होंगे, ये उनका ये है, उसी से पता चलता है। और आते ही उन्होंने तय कर दिया 100 के दिन के अंदर क्या क्या काम करेंगे। उसमें एक है कि हमारा रेलवेज़ का निजीकरण, जो रेलवे में हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स है, जहाँ रेलवे गाड़ियों का उत्पादन होता है, इंजन और बोगी वगैरह ये सारा उत्पादन होता है हमारा देश में, पहले उनको निगमीकरण करने का तय कर लिया है, और उसके बाद में वो एक कदम है निजीकरण के और, तो वो और इसके साथ साथ हमारा देश में राजधानी शताब्दी से लेकर कम गाड़ी निजी गाड़ी चलेगा ये भी तय कर लिया है, और अभी चलने भी लग गया है लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, वैसे ही मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद मुंबई, ये दोनों ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अभी रेलवे मंत्री ने अनाउंस किया, घोषणा किया है कि और 150 गाड़ी हम चलाएंगे बड़ा बड़ा रूट में, मतलब जहाँ पैसा आएगा, जो बड़ा बड़ा शहर है, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से चेन्नई, हैदराबाद, ये रूट्स में चलाएंगे, तो निजी गाड़ी वहाँ चलेगा हमारा पटरी का ऊपर। और इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन को भी निजीकरण करने जा रहे हैं, तो इससे मतलब आम जनता का, एक तो रेलवे में जो मजदूर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नुकसान होगा, वो एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता है, खास करके गरीब जनता है, उनका और भी नुकसान होगा। ये सिर्फ रेलवे कर्मचारियों का बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश का जो इंडियन रेलवेज़ है
पूरा देश का सबसे पूरा दुनिया का सबसे बड़ा एक नेटवर्क है जहाँ करोड़ों लोग हर रोज़ ट्रैवल करते हैं, और ये क्योंकि ये सरकारी हाथ में है तो वो आम जनता को कुछ सुविधाएं मिलते हैं, जैसे कि ये सीनियर सिटीजन्स का सब एक कंसेशन होता है, महिलाओं का कंसेशन होता है, कैंसर पेशेंट्स का कंसेशन होता है, ऐसा अलग अलग कंसेशंस होते हैं। ऐसे भी हमारा जो टिकट हम खरीदते हैं उसमें 43% सरकार सब्सिडी देता है। अभी वो सारा ख़त्म करके, प्राइवेट में ये सारा नहीं होगा, तो इसीलिए जनता को तो वो धीरे धीरे सब्सिडी ख़त्म करने का बात बोल रहे सरकार, तो आम जनता को ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो निजी स्टेशन होगा उसमें निजी कंपनी अपना लोगों को रखेंगे, अभी जो कर्मचारी है उसको बाहर ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसा ऐसा करके। BSNL है, BSNL में उसका नुकसान, मतलब वो लॉस मेकिंग है, उसका वेजेस नहीं बढ़ाया है, उसको 4G नहीं दिया अभी तक। BSNL मोबाइल नेटवर्क जो सरकारी कंपनी है उसको मोबाइल का परमिशन नहीं दिया, बहुत साल लड़ने के बाद मोबाइल का दिया, अभी तक उसको 4G नहीं दिया, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ को 4G दे दिया है। तो अभी बहुत कंपटीशन बढ़ गया, जियो है, ये सारा कंपनी है, तो उसके वजह से BSNL का जो मिलना चाहिए वो सरकार के ओर से नहीं मिलने के वजह से उनका थोड़ा घाटा हो रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं सरकार कि उसको लेकर उनका वेतन का कुछ जो होना चाहिए, वेतन का रिविजन होना चाहिए, वो नहीं किया। हर महीना उनका तनख्वाह भी नहीं मिल रहे, खास करके जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं BSNL में, उनको 8 महीने से 10 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे, और अभी उसको बंद करने का बात चल रहा है, और या उसको VRS दे के सरकार उनको एम्प्लॉयज़ को पूरा घर भेजने का बात चल रहा है, बोल रहे सरकार रिवाइवल के नाम पे, और रिटायरमेंट एज कम करने का, मतलब 58 साल करने का बात कर रहे हैं, 60 से 58 साल करने का बात कर रहे हैं, मतलब ये सारा कर्मचारियों का संख्या कम करने का बात। वैसे ही हमारा डिफेंस है, जो देश का रक्षा हमारा सरकारी कंपनियों में हमारा जवानों के लिए जो बनता है, जो यूनिफॉर्म बनता है, उनका शूज़ वगैरह बनता है, और जो ये बंदूक वगैरह बनता है, टैंक वगैरह बनता है, जीप्स वगैरह बनता है, अलग अलग जो इक्विपमेंट मिलिट्री का, हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट है, वो सारा बनता है, वो भी हमारा देश में 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज है। वो कुछ फैक्ट्रीज इतना पुराना है कि आज़ादी से पहले से वो चल रहा है, हमारा देश में बनाते हैं, ब्रिटिश सरकार भी बना रहा था, हमारा देश में बना रहा, उसको ऑर्डर नहीं दे रहे, वो आउटसोर्स निजीकरण कर रहे हैं, तो उसको भी निगमीकरण करेंगे, फिर उसको प्राइवेटाइज कर लेंगे। मतलब हमारा देश का रक्षा भी विदेशी स्वदेशी पूंजीपतियों का हाथ में दिया जाएगा, हमारा मजदूर का काम चला जाएगा, उनका छटनी हो जाएगा। तो ऐसे सारे पब्लिक सेक्टर है, इस्पात है, वहाँ भी वही स्थिति है, कोयला है, कोयला खदान में कोयला निकाल के उसको बेचने का पूरा अधिकार 100% FDI अलाउ किया है। मतलब क्या है, विदेशी पूंजीपति आएंगे, हमारा देश का हमारा कोयला वो निकालेंगे, और चाहे तो वो विदेश में बेचेंगे, कहीं भी बेचेंगे, और जो मुनाफा मिलेगा वो अपना देश को लेके जाएंगे, हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारा हमारा देश का संपत्ति को बेच रहे हैं, हमारा मजदूर का जो ये अधिकार है उनको छीन रहे हैं, हमारा किसान से ज़मीन लेकर वो विदेशी पूंजीपतियों को दे रहे हैं। तो जो देश प्रेम का, देशभक्ति का नाम के सरकार आया है, वो पूरा देश का बेचने का रास्ता में चल रहा है, और मजदूर का वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए तैयार नहीं है। न्यूनतम वेतन को लेकर हम लड़ रहे हैं, मजदूर लड़ रहे हैं, और सरकार ने खुद माना कि 18,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए केंद्र सरकारी कर्मचारियों को, तो लेकिन जब सभी को वो वेतन मांग रहे हैं तो 18,000 देने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी सरकार एक कमिटी बनाया, उन्होंने सिफारिश किया कि 9,000 से 12,000 तक होना चाहिए, लेकिन वो भी लागू नहीं किया। अभी श्रम मंत्री बोल रहे हैं कि 178 न्यूनतम वेतन होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। अभी तो 178 में कैसा जी पाएगा एक दिन के लिए, तो मतलब एक महीने के लिए 4,600 कुछ लगता है, तो 4,600 में कोई एक परिवार जी सकता है?
तो ये प्रॉब्लम है, तो उसको ये करने के लिए तैयार नहीं। अभी तो बहुत जगह में मजदूर लड़के उससे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं, कहीं 300 कहीं 400 मिल रहा है, वो भी काफ़ी नहीं है। लेकिन अभी राज्य सरकार इसको बढ़ाएगा नहीं, मतलब केंद्र सरकार ये किया कि 178 होना चाहिए, अभी तो आपको ज़्यादा मिल रहा है तो बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारा लेकर मजदूर को बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। तो इसीलिए सभी ट्रेड यूनियन, सभी मजदूर संगठन, सिर्फ BMS के अलावा बाकी हमारा देश में जो मजदूर संगठन है उसके साथ साथ अलग अलग केंद्र सरकारी कर्मचारियों का, राज्य सरकारी कर्मचारियों का, BSNL का, बैंक का, बीमा का, और ये सारा सब मिलके एक कन्वेंशन किया दिल्ली में अभी 30 सितंबर को, और वहाँ से ये निर्णय लिया कि हम 2020 में पूरा देश में हड़ताल करेंगे। मैम, क्या मौजूदा हालात ऐसे नहीं है हमारे देश में, जैसे हमने आज़ादी के दौर पे अंग्रेज़ों से अपने देश को बचा के लाया, पूरी हमारी जो सत्ता थी अंग्रेज़ों के हाथ पे थी, वही नीति BJP के राज पे हो रही है, हमें अपने अधिकारों के लिए ही उनके खिलाफ खड़े होना पड़ रहा है, उनसे बोलना पड़ रहा है कि हमारे अधिकार हमको दो, लगातार एक के बाद एक कंपनियाँ प्राइवेट होती चली जा रही है। वो दौर भी शायद मैम दूर नहीं है कि एक दिन विदेशी कंपनी हमारी सरकारी कंपनियों पे राज करेंगी, क्या ये दौर बहुत जल्दी भारत के अंदर, भारत देश के अंदर BJP सरकार के रहते पे आएगा? जो सरकार जो चल रही है वैसे ही लगता है कि BJP सर, ऐसा तो BJP या RSS, BJP का जो गाइड है, मेंटर है, वो तो आज़ादी का लड़ाई में उनका कोई भी रोल नहीं था। हाँ, वो कुछ लड़ाई वो ब्रिटिश के साथ मदद भी कर रहे थे, तो उनका कुछ ये नहीं था। मजदूर आज़ादी का संघर्ष में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है, बहुत जगह हड़ताल हुआ ब्रिटिश के खिलाफ, और मुंबई में तो जब इनका तिलक का जेल हुआ तो 6 साल का जेल के लिए 6 दिन का हड़ताल मजदूर किया है, पूरा मजदूर। तो ऐसा मजदूर वर्ग ब्रिटिश के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दिया है, लड़ाई किया है, और सिर्फ मजदूरी नहीं, हमारा देश का किसान, हमारा देश का मेहनत कश लोग, उनका जो भागीदारी है पूरा देश का, उसी से हमको आज़ादी मिला है। तो उस समय का उनका क्या उम्मीद था कि आज़ादी के बाद हमारा विकास होगा, हाँ, हमारा जो फैक्ट्री बनेगा, हमारा नौकरी आएगा, और एक अच्छा नौकरी, ऐसा नहीं कि जो कुछ भी नहीं है, आज नौकरी है तो कल होगा या नहीं होगा पता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, कैजुअल है, ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा नौकरी मिलेगा, हमारा बच्चे अच्छे ज़िंदगी जी पाएंगे, इस उम्मीद के साथ वो लोग किया है। तो फिर लेकिन उसी समय से जो नीति, खास करके 91 से जो नीति चल रहा है, और अभी उसको BJP और भी ये कर रहे हैं, पूरा विदेशी, और इतना तक कि प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाकर वहाँ बोलते हैं कि अब की बार ट्रंप की सरकार, मतलब इतना ये हो गया है, हाँ, कि वहाँ ट्रंप उतना, वहाँ माइग्रेंट के खिलाफ, इंडियन से जो गया वहाँ उनके खिलाफ भी वो कर रहे हैं माइग्रेंट लॉ से करके, तो उनको समर्थन में ये बात कर रहे हैं। तो ये सब मतलब अल्टीमेटली ट्रंप हो, मोदी हो, बड़ा बड़ा कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो विदेशी स्वदेशी का कोई ये नहीं है, जो बड़ा कंपनी है वो जो आदेश देते हैं उन्हीं के फ़ायदा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसी रास्ते में जाएंगे तो पूरा देश सर्वनाश हो जाएगा। जैसे मैम जब इलेक्शन होने वाले थे तो वो बहुत ज़्यादा ये नारा हुआ था, सबका साथ सबका विकास, तो वाकई में मौजूदा स्थिति क्या सबका साथ सबका विकास है, या सबका साथ और सबका विनाश वाली स्थितियाँ हमारे देश के अंदर है? क्योंकि मजदूर परेशान हैं, बेरोजगार परेशान है, बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं बावजूद नौकरियाँ नहीं मिल रही, फैक्ट्रियाँ बंद होने की कगार पर है, और विदेश जो भारी फैक्ट्रियाँ हैं वो देश के अंदर आ रही है, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, बैंकों पर घोटाले किए जा रहे हैं, बैंकों का जो पैसा है, जनता का पैसा है, जमाखोर जो विदेश पे जा रहा है, जमा हो रहा है, इस बीच में लोग इसकी सारी मार झेल रहे हैं, बावजूद सरकार जानती है कि ऐसा कुछ है लेकिन फिर भी इन चीज़ों को अनदेखी कर रही है, शोषण हो रहा है एक प्रकार से, देश के हर एक प्रत्येक जनता का शोषण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? वही है, देश सबका साथ भी नहीं, विनाश तो है ही, देश का विनाश कर रहे हैं और सबका साथ कहाँ दे रहे हैं। अभी जो है आप देखो देश में, खास करके इस दोबारा आने के बाद कितना दलितों का ऊपर हमला हो रहा है, हाँ, लिंचिंग हो रहा है उनका ऊपर, मार के उनको मार रहे हैं, उनको मार मार के उनका पूरा
मौत में उनको ये कर रहे हैं, लिंचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, और क्या है कि गौ रक्षा के नाम पर दलितों का ऊपर हमला हो रहा है। कितना दलित मारे गए हैं कि वहाँ बीफ है वो है, और वैसे ही धर्म के नाम पर ये क्या है, लव जिहाद के नाम पर, मतलब आप आज ऐसा बन गया है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसको शादी करेंगे, ये सारा जो मेजॉरिटी कम्युनल फोर्सेस है धर्म के नाम पर वो लोग बोलते हैं, जो आरएसएस बोलेगा वही। तो आज अभी विजयदशमी का इस समय पे क्या भाषा दिया कि स्वभाषा स्वभूषा स्वसंस्कार, ऐसा कुछ नारा दिया है। हाँ, वो लिंचिंग विदेशी शब्द है। क्या स्वभाषा है? आज हमारा देश में सभी भाषा है, कितना भाषा है, तो सब अपना अपना भाषा को ये करना, एक भाषा की हिंदी कोशिश किया है कि हिंदी थोपने के लिए, उससे तो लोग इकट्ठा नहीं होगा ना। तो आप हिंदी ग्रेजुअली लोग सीखेंगे, वो इंटीग्रेट करने के लिए वो अपना मर्जी से वो सीखेंगे, वो जो भी बात करेंगे, लेकिन आप तो ये नहीं बोल सकते हैं आप पूरा देश का ये हिंदी ही होना चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा होगा, ऐसा तो ये हमारा जो संविधान है उस बनाने के टाइम पे ये सारा चर्चा हुआ है। हमारा देश का अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, तो ये सारा इकट्ठा होकर हमारा देश एक फेडरल ये है। तो उसमें आप सबका ऊपर एक ही भाषा थोपेंगे, आपको यही पहनना है, ये नहीं पहनना है, और आप शादी तो आप एक ही कास्ट में एक ही रिलीजन में शादी करना है, इंटर रिलीजन शादी नहीं कर सकते, इंटर कास्ट शादी कर नहीं कर सकते हैं, इंटर कास्ट शादी किया तो उनको मार रहे हैं। तो ये जारा जो है, जो रेट्रोगेट पॉलिसीज है, पिछड़ापन है, तो वो थोपा जा रहा है, और जो साइंटिफिक है वैज्ञानिक सोच को ख़त्म किया जा रहा है। तो वो तो मतलब ये सारा इनको लोगों को शोषण कंटिन्यू करने के लिए ही किया जा रहा है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। वैकेंसी से तो उसको भर्ती कर सकते हैं, जो आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील है वो क्या उनको समाज सेविका बोलते हैं, अगर उनको वर्कर का दर्जा दिया जाएगा, न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, उनका पैसा मिलेगा। तो ये लोगों के पास पैसा होने से वो लोग क्या करेंगे, अपना कुछ खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे या जूता खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, वो तो जेब में डाल के नहीं रखेंगे। तो जब खरीदेंगे तब उसका ज़रूरत ज़्यादा होगा, तब कंपनी में माल बनाने का ज़रूरत होगा, जब कंपनी में माल बनाने के लिए ज़रूरत होगा उसका विस्तार करना है, तब नौकरी भी मिलेगा, तो ये पूरा हमारा विकास होगा। लेकिन सिर्फ उसके छोड़ के बड़ा बड़ा कंपनियों का जेब में अगर आप पैसा डालोगे वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे मतलब जनता का खरीदने के पास पैसा होने से तो वो इन्वेस्ट करके कुछ बेच सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, वो शेयर मार्केट में ये करेंगे, सट्टाबाजी करेंगे, या विदेशी कंपनी में मतलब विदेश में उसको रख के करेंगे, या सोना खरीदेंगे, उससे तो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा ना। तो जो अल्टरनेट पॉलिसीज़ है उसको लागू करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो ये समझाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हड़ताल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब समझेगा तब देश का विकास होगा। लेकिन हमारा इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं है, सरकार का जो चरित्र हम देखते हैं तो करेगा नहीं करेगा देखते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, कुछ का साथ और सबका सर्वनाश वाली राजनीति चल रही। तो ये थे हमारे साथ हेमलता जी, जिसने तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिस पे मजदूर से लेकर महिलाओं तक पे उन्होंने हमसे चर्चा की, और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स को एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझाने की कोशिश की। तो ऐसी ही चर्चा तमाम चर्चा आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।